किताब में लिखा है कि यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द फर्स्ट पॉलीनोमियल डिवाइडेड बाय द सेकंड पॉलीनोमियल। ये रकम लिख दिया एक्स की दो जमा तीन है जमा सात एक्स जमा एक दूसरी, तो हमने यहाँ लिख दिया है तो एक्स जमा एक बराबर सिफर के एक्स बराबर मनफी एक के हमने ले लिया। फिर ये फंक्शन ऑफ एक्स यही सवाल लिख दिया, फिर एच की जगह हमने मनफी एक दर्ज कर दिया है, इधर भी मनफी एक इधर भी मनफी एक, तो ये दो मन वगैरह देंगे तो एक आ जाएगा, ये मनफी तीन जमा सात सात और एक आठ आठ में तीन तफरीक करेंगे तो ये पाँच आ जाएगा। तो इसका मकसद ये है कि अगर इसको इस पर तकसीम कर दिया जाए तो पाँच बचता है। और ये भी देख लेते हैं हम, इसको यहाँ भी चेक कर लेते हैं, ये तीन एक्स जमा सात है और इसको एक्स जमा एक पर तकसीम करते हैं तो ये एक्स वाला पढ़ा जाएगा एक्स की दो जमा एक्स और ये अलाम के तब्दील तो ये दो एक्स जमा सात आ जाएगा, जमा दो वाला पढ़ा जाएगा तो दो एक्स जमा दो बन जाएगा, अलाम के चेंज करेंगे तो ये पाँच आ जाएगा। इसे रिमाइंडर कहते हैं, यानी जो कौन चीज बाकी बचती है तो ये पाँच बचता है, इधर भी इस तरीके से भी यही बचता है एक्स की तीन दूसरे वाला मन की एक्स की दो जमा पाँच है जमा चार और इधर एक्स मन की दो लिखा है तो एक्स मन की दो बराबर सिफर के एक्स बराबर दो के, तो हमने फंक्शन ऑफ एक्स लिखा है एक्स की तीन मन के एक्स की दो जमा पाँच है जमा चार और एक्स की जगह हम दो दर्ज कर रहे हैं इधर भी इधर भी इधर भी, तो ये तीन मन का धर्म देखे तो आठ मन की ये चार बन जाएगा, ये दस बन जाएगा, ये चार चार के साथ चार काट जाएगा तो ये अठारह बचेगा, तो रिमाइंडर बराबर है अठारह के। इसी तरह आप इसको सादा तरीके से तकसीम करें तो फिर भी अठारह बचेगा। ये तीसरा सवाल है तीन एच की चार जमा चार एच की तीन जमा एच पर भी पाँच एच जमा एक तेरह एच जमा एक बराबर सिफर के एक्स बराबर मन भी एक के, तो फंक्शन ऑफ एक्स बराबर है तीन एक्स की चार जमा चार एक्स की तीन जमा एक्स पर भी पाँच, तो यहाँ मनफी एक दर्ज करेंगे, यहाँ भी मनफी यहाँ भी मनफी यहाँ भी ये मनफी दर्ज किया है तो ये चार मत पर धर्म देंगे जमा एक आ जाएगा, तीन मत पर एक को धर्म देंगे तो मनफी एक आ जाएगा, ये वैसे लिख दिया ये भी वैसे लिख दिया, धर्म भी तीन मनफी चार मनफी एक मनफी पाँच तो पाँच छः चार का तीन मनफी दस मनफी सात, तो बाकी जो है वो मनफी सात बचेगा। अगर ये रकम लिख कर इस पर तकसीम करें तो फिर भी मनफी सात बचता है, तो ये रिमाइंडर थ्योरम है, एक थ्योरम है वो आम सादा तकसीम है, एक्स की तीन मनफी दो एक्स की दो जमा तीन है जमा तीन और इधर एक्स मनफी तीन देखें एक्स मनफी तीन बराबर सिफर के एक्स बराबर तीन के, फंक्शन ऑफ एक्स एक्स की तीन मनफी दो एक्स की दो जमा तीन है जमा तीन, तो एक्स की जगह हम त्राय तीन दर्ज करते हैं, यहाँ भी तीन यहाँ भी तीन यहाँ भी तीन, फिर ये तीन मरतबा ज़रा सत्ताईस और तिरतरा नौ ये उसी तरह लिख दिया, इसको भी उसी तरह लिख दिया, फिर धर्म की सत्तावी नौ उन्हें अठारह तिरतरा नौ और जमा तीन, तो ये उनतालीस मनफी अठारह बन जाएगा तो इक्कीस बाकी बचेगा। रिमाइंडर जो है वो हमने मालूम करना था तो ये इक्कीस बचा है, अगर इसको इससे तकसीम कर दें तो फिर भी इक्कीस बचता है। तो अब सवाल है सवाल नंबर पाँच, इधर सवाल नंबर पाँच लिखा है उसने यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन इफ द फर्स्ट पॉलीनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलीनोमियल, तो फैक्टर आपका मकसद ये है कि ये पूरा पूरा तकसीम होता है या नहीं होता। ये देखें ये छः है, इसको हम दो पर तकसीम करें तो ये अगर इनको ज़रब दे दो ज़रब तीन तो ये आ जाता है छः आ जाता है, तो कहने का मकसद ये है कि जब पूरा पूरा तकसीम होगा ये आप सवाल हल कर रहे हैं कि उसने ये एक्स वन पी एक दे दिया इधर एक्स की दो जमा चार एक्स वन की पाँच, तो हमने लिखा टेकिंग एक्स वन पी एक बराबर सिफर के एक्स बराबर एक, आप ये फंक्शन आप एक्स एक्स की दो जमा चार एक्स वन की पाँच एक्स की जगह हमने कितना दर्ज करना था एक दर्ज करना था यहाँ, तो ये एक जमा
चार धारा एक मंजिल पाँच तो ये एक जमा चार मंजिल पाँच पाँच में से मेरे पाँच जाए तो से भर। कहने का मकसद ये है कि ये पूरा पूरा तस्वीर होगा, ये देखें एक्स की दो जमा चार एक जमा पाँच इसी तरह लिख दिया, फिर एक्स मंजिल एक पर डिसीट किया एक्स वाला पारा गया, फिर जो है पाँच वाला गया तो आखिर पर रिमेंडर जीरो बचा, यानी पूरा पूरा तकसीम होगा तो फैक्टर होगा। ये लव फैक्टर का मकसद है क्या, हिस्से जरब के हिस्से, जरब के हिस्से, तो ये फैक्टर है। अब इसको ये सवाल एक्स मनफी दो और इधर एक्स की तीन जमा एक्स की दो मनफी सात तक जमा एक तो एक्स वन भी दो बराबर सिफर के एक्स बराबर दो के फंक्शन ऑफ एक्स, ये सवाल लिख दिया, फिर एक्स की जगह दो दर्ज किया तर दिया, ये आठ बन गया, ये चार ये मनफी चौदह जमा एक यो तो ये तेरह मनफी चौरा ये मनफी एक तो रिमाइंडर बाकी बाकी मनफी एक अगर उस पर तकसीम करें तो बाकी मनफी एक बचेगा, तो ये इज नॉट ए फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलीनोमियल। और ए ओमेगा प्लस टू और ये टू ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर मनफी फोर ओमेगा जमा सात, तो टेकिंग ओमेगा प्लस टू बराबर सिफर के और ओमेगा बराबर है मनफी दो के, तो फिर अब फंक्शन ऑफ ओमेगा पहले एक्स पढ़ते थे आप ओमेगा पढ़ेंगे तो ये रकम लिख दी, फिर ओमेगा की जगह मनफी दो दर्ज किया तो ये मनफी आठ बन जाएगा, ये जमा चार बन जाएगा और ये उसी तरह लिख दिया तो ये आठ सोलह मनफी सोलह और ये जमा चार ये जमा आठ और जमा सात तो उन्नी मनफी सोलह जमा उन्नी और ये तीन आ जाएगा, तो रिमाइंडर तीन बच गया, पूरा पूरा तकसीम नहीं होता। अगर रिमाइंडर बच जाए तो वो जो है वो फैक्टर नहीं होता, फैक्टर उस वक्त होता है जब पूरा पूरा तकसीम हो, अगर जब पूरा तकसीम होगा तो आप जो जवाब आएगा उसको तकसीम करने वाले से जरब देंगे तो वो उसकी जो है सवालिया इबारत आ जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि जब फैक्टर का लाभ आ जाए तो आपने चेक करना हो तो वो पूरा पूरा तकसीम होगा, अगर कुछ बाकी बच जाती है तो वो फैक्टर नहीं होगा।